मन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी रोटी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कल युग जाने ये वाला है, जन जागरण है, और अच्छी बात है भाई। इसमें क्या है कि बेरोजगारी महामारी बीमारी सबका है, जब बीमारी आ जाएगी कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं अभी से प्रयास किया अभी शासन प्रशासन बाबा जी के याद आएगी कि बाबा जी पूरे बिहार में पूरे झारखंड में पूरी तूफानी दवा करके ये कोरोना की जो बीमारी आ रही है उससे बचने के लिए महाप्रसाद बीसों कुंटल प्रति बोलिए इसी बीमारी के बचने के लिए ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा भगवान के अलावा, तो प्रभु है जो वही कर सकते हैं। आप लोग भेजिए जब आपके पास कागज का नाम है तो भेजिए, ये बताइए आप देखिए जितने साइकिल वाले चल रहे हैं आप साइकिल वालों में देखे हैं ये बेचारे कितनी कितनी साइकिल चला रहे हैं, जिनके जिनके चप्पलों में जूता चप्पल पहनाने वाले जो बैंक जैसे अपने यहाँ का संगत को आपके दर्शन कर आपको दर्शन करके कैसे महसूस रहा है संगत बाबा जी, जो प्रेमी यहाँ तो प्रेमी तो कम थे लेकिन जो लोगों ने आए हैं वो देख कर वो चकाचौंध हो गए कि इस गर्मी में इस तूफानी दौरे में कोई अपने परिवार को पांच आदि भोजन नहीं खिला रहा, एक दो चार भंडारे ऐसे हैं कि जो पूरे प्रेमियों को खिलाते हैं, यार देश के अंदर कोई भी ऐसी संगत नहीं है ना इतना कोई धर्म दर्द कि हम लोग खुद खाते हैं और जितने प्रेमी आ जाते हैं सबको हम खिलाते हैं और उसके रेबत में किसी भी पैसा नहीं दिया जाता, बाबा जी रोज सब दिन डेली बीसों कुंटल लड्डू का प्रसाद बांटते हैं उसके रेबत में एक पैसा किसी नहीं दिया जाता, देश के अंदर जितने भी संस्थाएँ हैं वो सब ले रही हैं लेकिन यहाँ की सरवान से बाबा जी गुफा रहे हैं। जय जय है कोई माई दलाल जो कि इस गर्मी के समय में और 60-80 किलोमीटर कोई पैदल चला सके, औरतें हैं जो बच्चियां हैं ये कभी जब बचपन में साइकिल चलाई होगी इस समय कोई है माई दलाल जो कि साइकिल 60-70-80 किलोमीटर चला नहीं, आप उनसे पूछिए कि जिनके बैंक के मैनेजर और पूरे बैंक के ऑडिटर हैं उनके फ्लैट हैं वो बच्चियों को हम दिखाएंगे वो आपके यहाँ जो साइकिल जिनको करोड़ रुपए कोई देगा लेकिन साइकिल ले चलाएगा, इनके एक आदेश में खड़े हो जाते हैं एक आदेश में बैठ जाते हैं ये कौन सा काम नहीं कर पाते। आपका स्वागत है आरएस के लिए, किस वक्त हम पहुँचे जहाँ बाबा जय गुरुदेव की आए थे और ये संस्था से ये माता जी जुड़ी हुई हैं उनसे जानते हैं और ये संगत के इन्होंने दर्शन करके इनको कैसे लगा यहाँ माता जी, क्या नाम है आपका? मैं रितेश राय पुष्पा रविंद्र राय आई एम फ्रॉम मुंबई। अच्छा लगने की बात ऐसी है कि मैं तो बचपन से जुड़ी हुई हूँ गुरु महाराज के साथ और हमारा जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो आध्यात्मिक हमारी समिति है आध्यात्मिक प्रचार समिति वैचारिक और आध्यात्मिक प्रचार समिति जिसके द्वारा गुरु महाराज निकले हुए हैं जन जन को जगाने के लिए। आज कोरोना जैसा बीमारी आई थी उसमें आप लोगों ने देखा कि कोई बचा नहीं, वो रोग कहाँ से निकला था तो नॉर्मल फिर यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए शाकाहार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और पैदा हुआ है जो मनुष्य वो शाकाहार से ही हुआ है, जब बच्चा बच्ची पैदा होता है तो वो माता ही जीता है नहीं तो उसको नहीं जाता, जो बड़ा होता है तो सामाजिक संस्थाएँ मिलते हैं तो वो सब कुछ खाने के लिए जरूरी है। ये संस्था कब से शुरू हुई है? ये संस्था तो अभी दूर हुई और उन्होंने कहा कि मांसाहार के साथ में और
शराब कोई भी नशा ये सारा आपको बेकार कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कि घर का मुर्दा अगर डेथ हो जाती है अपने पेरेंट्स की किसी की फेवरेट की हमारे प्रियजनों की तो हम तो उसको तुरंत बाहर कर देते हैं निकाल करके नहीं निकाले निकाले भूत बन के ना रह जाए। मगर आप बाहर से मुर्गा मुर्गा और बकरे काटते हो वो चढ़ता है उसे लाने के लिए रखते हैं अपने पेट पर रखते हैं दिस इज वेरी हार्मफुल ह्यूमन बॉडी और दूसरा मिश्रित राम निशाला।